बाली G20 समिट में जो बाइडेन से नहीं मिलेंगे पुतिन। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन ने कहा बाइडेन के साथ बातचीत की कोई जरूरत नहीं। विजुअल्स के साथ अगले महीने होने वाले G20 में बाइट वाले विजुअल्स प्ले ऑन करें। अगले महीने होने वाले G20 में पुतिन के शामिल होने पर सस्पेंस। G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर को बाली में होगा। यूक्रेन रूस जो है वो युद्ध के चलते दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है। ये बड़ी चुनौती है। सीधे चेंज करें, एक मंच पर नजर आ सकते हैं पुतिन, ज़ेलेंस्की और बाइडेन। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर पुतिन बाइडेन के साथ मुलाकात से इनकार कर चुके हैं। नेक्स्ट दिखाइए, G20 विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। यहां पर अब सीधे मैं जाऊंगा इस खबर के साथ, पुतिन की बाइट वाले शॉर्ट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा द्विवेदी सर के पास। द्विवेदी सर, ये आइस कब ब्रेक होगी? क्योंकि देखिए अब बड़ा सवाल क्या है, बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि अगर आप पुतिन से डायलॉग नहीं करेंगे तो आप पूरे यूरोप का नुकसान करेंगे। अमेरिका ऑलरेडी गर्त में जा रहा है इकोनॉमिकली, दे हैव टू कम आउट ऑफ इट। कब तक ये अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज को मदद करते रहेंगे? विल दे ब्लिंक और नॉट? देखो निशांत, मैं दो तीन बातें बताना चाहता हूँ, थोड़ा समय चाहता हूँ। सबसे पहले जो न्यूक्लियर हथियार हैं ये जीतने के लिए नहीं होते, ये तो युद्ध को बंद करने के लिए होते हैं या युद्ध को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ जो है वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं ताकि न्यूक्लियर युद्ध ना हो, पहली बात। दूसरा, जब युद्ध देखो आठवें महीने चल रहा है तो युद्ध ये नहीं कि सालों चलेगा। एक स्टेमिना होता है, एक फटीग होता है, इस टाइम फटीग है दोनों साइड पर। तो वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह सुलह हो जाए। और पुतिन साहब जो हैं 18% यूक्रेन पर कब्जा कर चुके हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव काफी हद तक हासिल कर चुके हैं। तो अभी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो कह रहे हैं कि देखो हम बात करने के लिए तैयार हैं और युद्ध विराम हो सकता है, दूसरी बात। और तीसरी बात है, वो नहीं चाहते कि बाइडेन साहब को मध्यस्थता का मौका मिले, इसलिए वो बाइडेन साहब से बात नहीं करेंगे। वो किसी और से बात करा सकते हैं पर वो बाइडेन साहब को अंदर नहीं आने देंगे। और चौथी बात जो मैं बहुत आपको अहम तरीके से बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी युद्ध जिस चरण में है वहाँ न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी रशिया जो है अपने पूरे जो ऑब्जेक्टिव है 18% वो सर, सर आप जो बता रहे हैं, लेकिन मेरा जो जो बहुत ही इमेच्योर और बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर है वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने से पहले कहीं कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, इट जस्ट हैपेंस। हिरोशिमा नागासाकी इज द लीडिंग एग्जांपल ऑफ इट, एंड आई डोंट वांट रशिया टू बी द अदर वन।